वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस योर फ्रेंड रहीश यादव। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे हमारी तरह। आज काफ़ी दिनों बाद हम हमारे पुराने सेटअप में ब्लॉगिंग कर रहे हैं और आज काफ़ी दिनों बाद आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सो आज हमारे पास आया है एक नया पार्सल और इसी पार्सल को हम खोल के देखते हैं क्या है इसके अंदर। चलिए फिर इसको ओपन करके देखते हैं। इसको ओपन करते ही निकलता है कि ये बॉक्स, हम इसको ये बॉक्स को भी खोल देते हैं। इस बॉक्स को खोलते ही अंदर एक और बॉक्स है और हम उसको खोल के देखें। सो बॉक्स से निकालते ही हमें एक और बॉक्स मिलता है इस तरीके का। यहाँ पे आपको UAG की ब्रांडिंग मिल जाएगी, डिज़ाइन 4 मैकबुक प्रो मिल जाएगा 13 इंच, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेस्टेड फॉर मेडिकल एनवायरनमेंट इसके, और अगर हमें वेरीफाई करना है ये ओरिजिनल है कि नहीं है तो यहाँ पे आप स्कैन करके वेरीफाई भी कर सकते हो। और अगर हम साइड में देखें इस बॉक्स के, सो यहाँ पर है UAG की ब्रांडिंग, रज लाइट वेट ड्रॉप टेस्ट प्रोटेक्शन। एंड अगर हम यहाँ पे पीछे देखेंगे सो यहाँ पे लिखा है डिज़ाइंड इन कैलिफोर्निया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे डिज़ाइन फॉर मैकबुक प्रो 13 इंच 2020, तो ये वाला जो केस है ये 3 मॉडल्स के लिए है। एंड यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो कुछ और डिटेल्स दिए गए हैं, फेदर लाइट, ड्यूल लॉक क्लोजर, ट्रैक्शन ग्रिप, कूलिंग वेंट, टेस्टेड फॉर मेडिकल एनवायरनमेंट। बॉक्स तो काफ़ी सिंपल एंड अच्छा है। एक काम करते हैं जल्दी से इसका प्रोडक्ट अंदर से निकाल के देखते हैं। सो बॉक्स से निकालते कुछ इस तरीके का हमारा मैकबुक प्रो 13 इंच का केस दिख रहा है। एंड अगर हम फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे UAG का ब्रांडिंग अवेलेबल है। केस काफ़ी सिंपल और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बेसिकली दो पीस है, इनको अटैच किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे भी UAG का ब्रांडिंग है। यहाँ पे ये वेंटिलेशन के लिए है। UAG माने जाते हैं उनके केसेस के लिए। बहुत सारे मोबाइल के केसेस आते हैं, लैपटॉप के केसेस आते हैं, आईपैड्स के केसेस आते हैं, मैकबुक के केसेस आते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, ये ड्रॉप टेस्टेड आते हैं। सो नॉर्मली अगर आपको मोबाइल कैरी कर रहे हो, आईपैड कैरी कर रहे हो या लैपटॉप कैरी कर रहे हो, सो आपको डर लगा रहता है कि बाई चांस आपके हाथ से स्लिप हो गया, गिर गया, तो टूट ना जाए। नॉर्मली डे टू डे लाइफ में आप भी जानते हो मोबाइल आपके हाथ से गिरता रहता है। नॉर्मली लैपटॉप इतने आसानी से नहीं गिरते हैं, बट अगर आप ट्रैवल करते हो एक जगह से दूसरी जगह फ्रिक्वेंटली तो आपको आपके लैपटॉप का कंसर्न रहता है ट्रैवलिंग के टाइम पे, टूट ना जाए, डैमेज ना हो जाए। इवन सेम कंसर्न मुझे मेरे लास्ट हिमाचल वाले ट्रिप में भी था। नॉर्मली आप जब ट्रैवल करते हो सो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाना रहता है, आप कभी कभी जल्दी जल्दी पैकिंग करते हो या फिर कभी कभी आप आपका लैपटॉप आपके बैकपैक में जल्दी से स्लाइड कर देते हो, सो नीचे भी लगने का डर रहता है। तो उसमें ऐसा हमें ऐसा लगता है कि हमारा लैपटॉप डैमेज ना हो जाए। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया एंड उसके बाद मुझे पता चला कि UAG के प्रोडक्ट आते हैं जो ड्रॉप टेस्टेड रहते हैं एंड काफ़ी रिलायबल रहते हैं, तो इसलिए मैंने UAG का प्रोडक्ट लिया। बिकॉज जब आप मैकबुक प्रो लेते हो, ऑलमोस्ट 1.5 लाख का लैपटॉप लेते हो, तो उसके लिए आपको एक अच्छा केस चाहिए होता है जिसमें आपका लैपटॉप जल्दी डैमेज ना हो या टूटे ना। अगर हम इसको खोल के देखें सो इसका जो साइड वाला पार्ट है ये हार्ड है, ये जो पार्ट है ये सॉफ्ट है। यहाँ पे जो बेसिकली कोई भी अगर ड्रॉप होता है तो एब्जॉर्ब कर सके। इवन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी ये हार्ड पार्ट है एंड ये यहाँ पे साइड में सॉफ्ट पार्ट है। सेम वे इस साइड भी अगर हम देखें सो ये यहाँ पे सॉफ्ट पार्ट है एब्जॉर्ब करने के लिए अगर बाय चांस ड्रॉप होता है तो। यहाँ पे ये हार्ड पार्ट है, इवन सेम यहाँ पर भी ये सॉफ्ट पार्ट है। एंड अगर हम नीचे का केस देखें सो ये पूरा हार्ड पार्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई सॉफ्ट पार्ट नहीं है जो बाय चांस अगर ड्रॉप होता है तो ड्रॉप एब्जॉर्ब हो सके। चलिए फिर अब हम हमारा मैकबुक प्रो इसमें लगा के देखते हैं।
कुछ इस तरीके का हमारा मैकबुक दिख रहा है एंड ये हमारा केस लग चुका है। बेसिकली केस लगाना काफ़ी इजी था, जैसे नॉर्मली हम मोबाइल में केस लगाते हैं ऑलमोस्ट वैसे ही है सेम। एंड जो अगर आप ग्रिप देखोगे होल्ड करने के लिए तो वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे ये वेंटिलेशन के लिए है, बट जैसे हमें पता है कि जो लेटेस्ट मैकबुक प्रो आया है M1 चिप वाला, उसमें वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। एंड अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा केस लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है। एंड नॉर्मली क्या होता था कि इसके पहले जैसे अगर हमें खोलना है तो हम डायरेक्टली बीच में से फ्लिप को ओपन करते थे, बट अभी ये जो है यहाँ पे ये साइड्स में लॉक्स होते हैं, सो अगर हमें खोलना है सो हमें ये साइड से लॉक खोलने पड़ेंगे एंड फिर हमारा ये ऐसा फ्लिप होगा। एक चीज़ है जो मुझे इस केस की अच्छी नहीं लगी, वो एक्चुअली इसका पॉजिटिव भी है प्लस नेगेटिव भी है। अगर आप कभी जल्दी जल्दी आप में आपका केस खोलना चाहते हो तो वो नहीं खुलेगा यहाँ से बीच में से, आपको साइड से लॉक ओपन करके ही खोलना पड़ेगा। एंड बंद करते समय भी आपको ये साइड से ऐसे लॉक करना पड़ेगा। ये खोलने एंड बंद करने में थोड़ा टाइम टेकिंग है, ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी, बट अगर ये चीज़ हम एज अ पॉजिटिव साइड से देखें तो जब ये ड्रॉप होगा, आपका लैपटॉप कभी गिरता है तो जो ये इम्पैक्ट है यहाँ पे साइड में वो नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस लॉक। जो यहाँ पे ये रबर पार्ट है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका ये ट्रांसपेरेंट केस काफ़ी अच्छा लुक देता है आपके मैकबुक को, अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया लगता है। आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है। ये मैकबुक का UAG केस मैंने 6999 में लिया है। चलिए एक काम करते हैं, फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वाला केस आपको क्या लगता है कि आपको आपके मैकबुक के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर और किसी लैपटॉप के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बिकॉज अगर हम कोई लैपटॉप लेते हैं या फिर मैकबुक लेते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, सो हमें डर लगा रहता है कि हमारा मैकबुक टूट ना जाए, यूनिट डैमेज ना हो जाए, तो इस टाइप के केस आप लेना प्रेफर करोगे या नहीं करोगे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो जल्दी से लाइक करना एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, #अपनी सुरक्षा अपने हाथ में।